Hello students, as you know, yesterday we were doing first chapter of science, class 3rd, food and feeding habits of animals. So, let's start with our topic, how animals eat. Animals kis tarike se khate hain? Different animals have different ways of eating. Har animal ka apna alag alag tarika hota hai bhojan ko khane ka. Their way of eating depends on the kind of food they eat. उनका तरीका किस पर डिपेंड होता है? जो फूड वो खाते हैं, जिस तरीके का फूड वो खाते हैं, उन पर उनका तरीका भी डिपेंड होता है खाने का. Now, our first point is gnawers. अब हम पहले gnawers के बारे में पढ़ेंगे. Some animals like squirrels, rabbits and rats eat grains, fruits and nuts. ये सारे एनिमल्स स्क्विरल्स रैबिट्स और रैट्स फ्रूट्स ग्रेन्स और नट्स खाते हैं. दे हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ. इनके जो फ्रंट टीथ होती है सामने वाली वो बहुत ही शार्प होती है फॉर कटिंग कट करने के लिए. वो कंटिन्यू फ्रंट टीथ से ही कटिंग का काम करते हैं. दीज एनिमल्स नो देयर फूड. मीन्स ये एनिमल्स जो होते हैं अपने फूड को बाइट करते हैं रिपीटेडली कंटिन्यूसली. चीज़ को जो भी उनका फूड है उसको क्रश करते हैं अपने फ्रंट टीथ से. एनिमल्स दैट नॉ दैट इज बाइट समथिंग रिपीटेडली और च्यू हार्ड देयर फूड आर कॉल्ड gnawers. इसलिए इनको gnawers बोलते हैं क्योंकि इनके फ्रंट टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं शार्प होते हैं. सेकेंड एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड होल. ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपना पूरा भोजन एक बार में स्वेलो कर जाते हैं घोट जाते हैं. तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं चलो हम देखते हैं. यहाँ पे देखो पिक्चर बनी है ना फ्रॉग की. फ्रॉग इंसेक्ट को डायरेक्टली टंग से खींचता है अपने और स्वेलो कर जाता है घोट जाता है. सम एनिमल्स स्वेलो देयर फूड होल विदाउट च्यूइंग इट. बिना उसको चबाए वो सीधे अंदर निकल जाता है. फ्रॉग्स Chameleon and lizards have a long and sticky tongue. इनके टंग काफ़ी स्टिकी होते हैं और लॉन्ग होते हैं. They catch insects with their tongue and swallow them whole. ये अपने जो भी insects होते हैं इनको अपने टंग से अपने sticky substance जो टंग पे होता है इनके उससे उसको खींच लेते हैं और swallow कर लेते हैं पूरी तरह से. Next स्नैक्स. स्नैक्स ऑल्सो स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग. वो चबाते नहीं हैं ये भोजन को. दे डू नॉट हैव एनी च्यूइंग टीथ. इनके च्यूइंग टीथ नहीं होती. ये चबाने की इनके पास कोई टीथ ही नहीं होती. आपने देखा रैबिट और स्क्विरल के पास होती है ना रैट्स के पास होती है बट स्नैक या फ्रॉग के पास नहीं होती. दो अ स्नैक हैज़ अ स्मॉल माउथ इट कैन ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड टू स्वेलो द फूड होल. हम जानते हैं सांप का मुँह स्नेक का मुँह काफ़ी छोटा होता है बट स्टिल जब उसे कोई भोजन मिलता है जब वो कुछ खाना चाहता है तो वो अपना मुँह पूरी तरह से खोल लेता है और फूड को पूरा स्वेलो कर लेता है पूरा खा जाता है. एंड नाउ थर्ड इज एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश. एनिमल्स जो अपने खाने को या जिस भी खाने को वो खाते हैं उसे पूरी तरह से फाड़ते हैं टेयर करते हैं और उसके बाद उसे अच्छे से च्यू करते हैं. च्यू मीन्स चबाते हैं. जस्ट लाइक टाइगर लायन ये अपने मुंह को पूरी तरह से फाड़ लेते हैं और अपने जो भी इनका फूड है उसको वो पूरी तरह से फाड़ के तब उसको चबा के खा लेते हैं. इनकी टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो ये मेनली कार्निवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स सच एज लायंस टाइगर्स एंड वुल्व्स हैव स्पेशल टीथ टू टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. अब फ्लैश खा रहे हैं तो इनकी टीथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी. देयर फ्रंट टीथ आर शार्प. बहुत शार्प होती है इनकी फ्रंट टीथ. कर्व्ड कर्व होती है और पॉइंटेड होती है. ये आपको दिख रहा है ना इनकी टीथ कैसी होती है शार्प पॉइंटेड एंड कर्व. ये थोड़ी अंदर ऐसे बेंड होती है. दीज टीथ हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश. इसी टीथ से ये फ्लैश को टीयर करते हैं फाड़ते हैं.
देयर बैक टीथ आर फ्लैट एंड ब्रॉड. इनकी जो बैक टीथ है यहाँ पे ये फ्लैट और ब्रॉड होती है, चौड़ी चौड़ी सी होती है, फ्लैट होती है. दीज टीथ हेल्प देम च्यू, और ये टीथ इनको च्यू करने में हेल्प करते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, एनिमल्स दैट ईट एंड च्यू ग्रास. एनिमल्स जो प्लांट्स या ग्रास को च्यू करते हैं, खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे काउज, बफलोज, ये ग्रास खाती हैं और लीव्स खाते हैं. दे यूज़ देयर फ्लैट शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास. इनके जो शार्प फ्लैट और ब्रॉड टीथ होती है फ्रंट वाली, उससे ये लीव्स और ग्रास को खाते हैं. दे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक टू च्यू देयर फूड. इनके जो बैक साइड में होती है वो ग्राइंडिंग टीथ होती है, और उसकी हेल्प से ये खाने को चबाते हैं अपने. काउस एंड बफलोज फर्स्ट स्वेलो देयर फूड. ये अपना खाना पहले स्वेलो कर लेते हैं, घोट लेते हैं, निगल जाते हैं. आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ. ये कुछ टाइम बाद अपने माउथ में वापस अपने खाने को लाते हैं. एंड च्यू इट फॉर आवर्स, और इसी खाने को घंटों चबाते रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कड और रूमिनेशन, और इसी प्रोसेस को च्यूइंग द कड कहते हैं या फिर रूमिनेशन भी कहते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कड च्यूइंग एनिमल्स. इसीलिए गोट्स या बफलोज या काउस को हम कड च्यूइंग एनिमल्स कहते हैं. अदर कड च्यूइंग एनिमल्स आर शीप, कैमल्स, जिराफ्स एंड गोट्स. बाकी च्यूइंग एनिमल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं शीप, कैमल्स, जिराफ्स एंड गोट्स. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड. एनिमल्स जो लिक्विड में फूड लेते हैं, जो लिक्विड लिक्विड सा खाते हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, ये ब्लड पीते हैं, यही इनका खाना है. मीन्स ये लिक्विड होता है, ब्लड लिक्विड होता है ना. मॉस्किटो की देखो पिक्चर बनी है यहाँ पे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मॉस्किटो सकिंग ब्लड. हमारे स्किन पे बैठ के वो हमें काटते हैं ना, तो दैट मीन्स दे आर सकिंग आवर ब्लड. द डॉग लैप्स अप वाटर विथ इट्स टंग. डॉग पानी कैसे पीता है, अपने टंग से लैप करके पीता है ना, तो उसी तरह से. एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड. सम एनिमल्स टेक इन लिक्विड फूड. दीज एनिमल्स हैव अ लॉन्ग थिन हॉलो ट्यूब्स टू सक द फूड इन टू देयर माउथ. बटरफ्लाइज एंड बीज यूज दिस ट्यूब टू सक नेक्टर. बटरफ्लाइज और बीज क्या करते हैं, नेक्टर सक करने के लिए यूज़ करते हैं अपने लॉन्ग ट्यूब को, ठीक है. और मॉस्किटोज और लीचेज होते हैं, वो ब्लड सक करते हैं फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है. अभी जैसा मैंने बताया है, हमारी बॉडी पे बैठते हैं मच्छर और खून चूसते हैं, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे. दैट इज़ रिटन हियर, मॉस्किटोज एंड लीचेज सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल्स. सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लैप अप मिल्क एंड वाटर विद देयर टंग. दिस मेथड ऑफ टेकिंग इन लिक्विड इज कॉल लैपिंग. ये देखिए डॉग ऐसे ही पानी पीता है ना, मिल्क भी ऐसे ही पीता है, तो इस प्रोसेस को हम लैपिंग बोलते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.